पुर्तगाल से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वस्ती पुर्तगाल में हफ्ता 5 अगस्त को मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इस्तकबाल कैथलिक नौजवानों ने पुरजोश तरीके से किया। हकाम के मुताबिक हजूम, जिसका तखमीना 2 लाख लगाया गया था, पुर्तगाल में मज़ार फातमा के वसी चौक में जमा हुआ और 86 साल पोप का पुरजोश इस्तकबाल किया। पोप को लिस्बन से बजरिया हेलीकॉप्टर इस मुकाम पर पहुँचाया गया। सफ़ेद पोशाक में मलबूस पोप फ्रांसिस अपने काफिले के साथ आहिस्ता आहिस्ता मज़ार फातमा चौक की तरफ बढ़ने के दौरान कई मरतबा रुके और उन्होंने उन बच्चों को बूसे दिए और उनके सर पर दस्त शफकत फेरा, जिन्हें इन तक लाया गया था। पोप फ्रांसिस ने इस मुकाम पर कायम चैपल में बीमार और माजूर नौजवानों के साथ मिलकर मुकदस किताब बाइबल की तलावत की। मसीही अकीदे में इस मुकाम को खास अहमियत दी जाती है, क्योंकि इससे रवायत है कि यहाँ वर्जन मरियम या कवारी मरियम सन 1917 में चरवाही के 3 बच्चों के साथ नमूदार हुई थी और उन्होंने इसी जगह एक तकरीर की थी। इस मज़ार फातमा की ज्यारत के लिए दुनिया भर से लाखों आजमीन खींचे चले आते हैं, जिनमें अक्सरियत मसीही अकीदे के मानने वालों की होती है। पोप अपनी जिस्मानी कमजोरी और तबीयत की नासाजी के बावजूद पुर्तगाल में मुनक़दा वर्ल्ड यूथ डे के 6 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए पहुंचे, जहां उनका लाखों अफराद ने नहायत पुरजोश खैर मुकदम किया। गुज़श्ता जुमेरात को पोप के इस्तकबाल की सरकारी तकरीर के लिए लिस्बन के एक पार्क में 1.5 मिलियन नौजवानों ने पोप के लिए नारे लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया था। वर्ल्ड यूथ डे दरअसल दुनिया भर के मसीहियों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। इसकी बुनियाद 1986 में पोप जान पॉल द्वितीय ने रखी थी। इसमें दुआया सेशंस के अलावा बहुत से रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। 2022 अगस्त के लिए इस प्रोग्राम के इनेकाद की मनसूबाबंदी की गई थी, ताहम उसे कोरोना के आलमी के तहत मुलतवी कर दिया गया था। पुर्तगाल में इस नौयत का ये 4था इज्तिमा हो रहा है।